आज से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अगला दौर। 60 साल से उम्र दराज और गंभीर रूप से पीड़ित 45 साल से ज्यादा के लोगों को लगेगा टीका। टीकाकरण के नए अभियान से 27 करोड़ लोगों को फायदा। 12,000 से ज्यादा निजी और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन। निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए एक डोज की कीमत होगी 250 रुपए। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलेगा टीका। सुबह 9 बजे से कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। टीका लगवाने वालों को देनी होगी पूरी जानकारी। दिल्ली में कुल 192 अस्पतालों में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा वैक्सीनेशन। हफ्ते में 6 दिन चलेगा टीकाकरण। बिहार विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए आज से विशेष कैंप। विधायकों पार्षदों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दोपहर 1 बजे लगवाएंगे टीका। पटना के IGIMS में करेंगे तीसरे चरण का शुभारंभ। एक बार फिर देश का कोरोना ग्राफ ऊपर भागा। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। देशभर में 24 घंटे में करीब 11,000 पीड़ित रिकवर। एक्टिव केस अब 1,65,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 197 नए मामले दर्ज किए गए। 168 पीड़ित हुए रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार गंभीर। राज्य में कोविड गाइडलाइंस को 1 महीने के लिए बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल में कोविड नियमों का पालन जरूरी। उड़ीसा के संबलपुर में 25 इंजीनियरिंग छात्र कोरोना पीड़ित। यूनिवर्सिटी को बंद किया गया। हॉस्टल कंटेनमेंट जोन घोषित। महाराष्ट्र के बारामती में भी एक स्कूल में कोरोना का खौफ। एक साथ 12 छात्र पॉजिटिव। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा इस बार टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगा बंगाल। आरोपों पर टीएमसी का पलटवार। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा घरेलू हिंसा के शिकार बुजुर्ग को बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए किया इस्तेमाल। कोलकाता में बीजेपी ने बुजुर्ग महिला के पिटाई को लेकर लगाया पोस्टर। पूछा क्या वो बंगाल की बेटी नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की हावड़ा में चुनावी सभा। कहा बंगाल में परिवर्तन जरूरी है। अन्याय और अत्याचार की अति कर दी है टीएमसी ने। जनता के सारे हक खा रहे। तोलाबाजी टैक्स कट मनी ये शब्द मैंने ही आके सुने। हावड़ा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की चुनावी सभा। बोले सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। जल्द भतीजा जाएगा जेल। सीताराम येचुरी का ममता के खिलाफ बड़ा आरोप। बोले बहुमत नहीं मिला तो सत्ता के लिए बीजेपी से भी कर लेंगी तालमेल। कांग्रेस लेफ्ट के साथ बंगाल की लड़ाई में कूदे फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी। कोलकाता में विशाल रैली में हुए शामिल। तस्लीमा नसरीन ने अब्बास सिद्दीकी पर उठाया सवाल। ट्वीट कर कहा उन्हें शरिया कानून में यकीन। महिलाओं की समानता बोलने की आजादी में नहीं। बंगाल के कोयला घोटाले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्य आरोपी अनूप मांझी ने दायर की है याचिका। तमिलनाडु पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले जलीकट्टू मुद्दे पर कांग्रेस ने पाखंड को नहीं भूलना चाहिए। पुडुचेरी के कराईकल की चुनावी सभा में शाह का राहुल पर वार। कहा क्या लोग ऐसा नेता चाहते हैं जिसे नहीं पता कि 2019 में बना था मत्स्य विभाग। तमिलनाडु में चुनावी घमासान के बीच मुख्यमंत्री पल्लीसामी और डिप्टी सीएमओ पनीरसेल्वम से मिले अमित शाह। तिरुनेलवेली में राहुल गांधी की रैली। कहा प्रधानमंत्री मोदी रिमोट से चाहते हैं राज्य पर कंट्रोल। जनता छीनेगी उसका रिमोट। तिरुनेलवेली में सड़क किनारे राहुल गांधी ने लिया चाय का लुत्फ। स्टॉल के मालिक की तारीफ की। 2022 के लिए यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से कसी कमर। वाराणसी में नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। सीएम योगी और नड्डा हुए शामिल। बीजेपी की बैठक के बाद नड्डा ने कहा आज कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टियां कर रही है वंशवाद की राजनीति। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान अगले 25 सालों में एसपी और बीएसपी के लिए कोई जगह नहीं। अखिलेश देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चखा बनारसी गोलगप्पे का स्वाद, संगठन स्तर की बैठक में शामिल। जम्मू में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की फिर की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री से ले सबक, पीएम बनने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं भूले। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ है, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक सेहत सही करने की मांग की, कहा विकास के लिए देने को 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा। नेशनल कांग्रेस नेता फारूक अब्दुल्ला ने जताई सियासी चाहत, बोले देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन, पार्टी ने G20 नेताओं में शामिल होने का दिया न्योता। आज से 2 दिन के असम दौरे पर प्रियंका गांधी, पहले दिन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। असम में अब्दुल बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी, बोरोलैंड पीपल्स फ्रंट का चुनाव में बीजेपी को होगा 25 से 30 सीट का घाटा। आज से दिल्ली में गहरा सकता है दूध का संकट, हरियाणा की एक खाप पंचायत ने 100 रुपए लीटर दूध बेचने के लिए धमकी। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर सत्रोल खाप पंचायत की नाराजगी, कहा जबरदस्ती हुई तो डेयरी को दूध नहीं देंगे। 100 रुपए किलो बेचने के ऐलान पर संयुक्त किसान मोर्चा के सफाई, कहा उनकी ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं। गुजरात के दाहोद में आज दोबारा होगा स्थानीय चुनाव, कड़ी सुरक्षा का रहेगा इंतजाम। गुजरात के विरमगांव में नगर पालिका चुनाव में पोलिंग बूथ के बाहर मारपीट, आपस में भिड़े बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मना रही जेडीयू। बीजेपी की इकलौती एमएलसी नूतन सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, पार्टी टूटने के सवाल पर भड़के चिराग पासवान, कहा पार्टी में कोई टूट नहीं। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का अजीबोगरीब बयान, कहा कल तक 2000 कमाने वाला आज 2 लाख रुपए कमा रहा है, अगर कमाई बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। मेरठ किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, का 70 साल से किसान को फसल के वाजिब दाम की तलाश। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। रुद्रपुर में आज किसान महापंचायत, राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता करेंगे शिरकत। शामिल बोले किसान नेता राकेश टिकैत, दिल्ली चलने की तैयारी रखे किसान, ट्रैक्टर में भरवाए तेल, कभी भी आ सकती है दिल्ली चलने की बारी। राकेश टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद घेराव वाले बयान पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनके साथ नहीं है बाकी किसान नेता, उनकी बात बेअसर। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में नया ट्विस्ट, जैश उल हिंद का हाथ होने से इनकार, मुंबई पुलिस ने जारी किया बैनर। जैश उल हिंद के मुताबिक धमकी से उसका कोई लेना देना नहीं। कल टेलीग्राम के एक पोस्ट से आया आतंकी संगठन जैश उल हिंद का नाम, बिटकॉइन के जरिए अंबानी से पैसे मांगकर दी गई थी धमकी। टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुआ सफेद इनोवा का वीडियो, फेस शील्ड लगाए दिखा इनोवा का ड्राइवर, पिछली सीट पर चेहरा छिपाए बैठा था स्कॉर्पियो का ड्राइवर। अमिताभ बच्चन की जल्द हो सकती है सर्जरी, ब्लॉग में किया ऑपरेशन का इशारा। लुधियाना में ड्रग्स तस्करी का खुलासा, 2 किलो हेरोइन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 35 लाख कैश और सोने चांदी के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया, वारदात के बाद भागते समय गिरफ्तारी। अलीगढ़ में चारा लाने खेत गई नाबालिग की लाश मिलने से हड़कंप, जांच के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित।